हेलो जिंदगी में मैं ऋतु कौशिक पेश कर रही हूँ प्रीति शर्मा असीम की लिखी कहानी स्त्री। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगते ही सब प्रवासी मजदूर अपने अपने घर चले गए। महेश अपने घर जा रहा था। बसें भी ना के बराबर चल रही थी। एक बस में बड़ी मुश्किल से छत पर बैठकर वो गांव की तरफ चला। लेकिन बस वाले ने चार गांव पीछे ही छोड़कर बोल दिया कि इन गांवों में बस नहीं जाएगी, बस अब हनुमानगढ़ डिपो पर ही छोड़ दी जाएगी। सारी सवारियां वहीं उतर गई। चलो कोई बात नहीं, 10-12 किलोमीटर की बात है, पैदल चल लेंगे। ये सोचकर सभी यात्री अपना सामान उठाकर चलने लगे। महेश भी अपने कंधे पर बैग डालकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। काफी देर चलने के बाद अब शाम गहरी हो रही थी। उसके साथ चलने वाले ज्यादातर यात्री साथ लगते गांव में जा चुके थे। उसका गांव अभी आगे था। आज पहली बार उसे लगा कि उसका गांव कितनी दूर है। वो धीरे धीरे चलता रहा। अब अंधेरा काफी हो चुका था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती हुई अपने से आगे दिखी। वो बोला, काकी तुम कहां जा रही हो? उसने बोला, बेटा मैं तो यहीं साथ के गांव में रहती हूँ, पानी लेकर आ रही थी। तुझे कहाँ जाना है, इतनी रात हो गई है? वो बोला, मैं मांगन खेड़ी में रहता हूँ, बस अब तो थोड़ा ही रह गया है। बूढ़ी औरत बोली, आ जा, मेरा घर पास में ही है, कुछ खा ले फिर आगे चले जाना बेटा, या सुबह चले जाना। कुछ खा ले, मेरा घर यहाँ सड़क के साथ ही है, बूढ़ी औरत ने बहुत प्यार से कहा। महेश थक भी गया था, उसे भूख प्यास भी लगी थी। प्यार भरे अनुरोध से वो इनकार ना कर सका और उसने कहा, ठीक है काकी। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत के पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल पड़ा। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वो ठीक कर रहा है, क्योंकि बचपन में उसने भूतों की बहुत सी कहानियां सुनी थी कि वो रात को ऐसे सुनसान सड़कों पर मिल जाते हैं, आपके साथ चलते हैं, फिर बहलाकर आपको अपने साथ ले चलते हैं, बातें ऐसे करते हैं जैसे सचमुच के इंसान हूँ, लेकिन जब आपकी आंख खुलती है तो वो सब गायब हो जाता है। उसे एक पल के लिए लगा कि ये अम्मा भी किसी भूतिया कहानी की पात्र तो नहीं। अपने मन को समझा कर और अपने डर को दूर करते हुए खुद से बोला, तू तो बस ऐसे ही सोचता है। लॉकडाउन की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, लेकिन गांव में अभी तक कोरोना का लोगों को पता भी नहीं है, इसलिए अम्मा को भी नहीं पता। वो पानी लेने जा रही थी, पानी लेकर आई है। अम्मा ने उसे बिठाया। छोटी सी झोपड़ी में अम्मा अकेली ही रहती थी, लेकिन आस पास दूर तक कोई गाँव घर नहीं दिखाई दे रहा था। काकी तुम अकेली रहती हो? मैंने पूछा। हाँ बेटा, तो बाकी इस गांव में कोई नहीं रहता? नहीं, सूखा पड़ने के बाद सब लोग अपने आगे वाले गांव में चले गए, मेरा घर ही रह गया। इतना कहकर अम्मा थाली में मक्की की रोटी और अचार रख ले आई। ये ले, खा ले। महेश ने रोटी खाई। पेट भरने से वो थोड़ी देर बाहर चारपाई पर ही लेट गया। चारपाई पर लेटते ही उसकी आंख लग गई। काफी दिनों बाद इतना चलने के कारण वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था, सो लेटते ही सो गया। सुबह जब आंख खुली तो उसने देखा एक टूटी चारपाई पर वो लेटा हुआ है। आसपास कोई भी नहीं है। वो काकी जिसने रात को उसे खाना खिलाया था और जिसके पीछे वो उसके घर तक आ गया था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो झोपड़ा जो रात को ठीक ही लग रहा था दिए की रोशनी में, वो भी सुबह सूरज की रोशनी में टूटा हुआ था। अब उसे समझ में आया कि वो सारे का सारा गांव खाली था, यहाँ कोई नहीं रहता था, वो अम्मा भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो समझ गया। उसने इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं। वो हैरान। अब कुछ कुछ समझ आ रहा था। क्या सच में ऐसा होता है?
चाहे अम्मा इंसान नहीं भूत ही होगी, लेकिन फिर भी उसने मुझे खाना और पानी पिलाया। मैं इस वक्त डर रहा था, अकेले होने से वो रास्ते भर मेरे साथ रहकर हिम्मत बनी रही। दिल ही दिल अम्मा का शुक्रिया किया और अपना बैग उठाकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। तभी पानी का घड़ा लिए अम्मा लौट आई। अम्मा, महेश ने हैरानी से पूछा, तुम कहां गई थी अम्मा? और अपने दिमाग में बनाई कहानी पर झेंप रहा था मन में। बेटा, मैं पानी लेने गई थी, तू तो रात खाना खाकर सो गया था, फिर मैंने उठाया नहीं कि तू थका हुआ है, इतने कोस से पैदल चलकर आया है। बेटा बैठ, अब तो कुछ खाकर ही अपने गांव को जाना। नहीं अम्मा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर महेश अम्मा के पांव छूकर और उसका धन्यवाद करके अपने गांव की ओर चल पड़ा। और अपने मन में जो उसने कहानी बनाई भूतों की, उस पर मन ही मन हंसने लगा। सच में ये मेरा डर ही था। इंसान का डर ही शायद भूतों को गढ़ लेता है।